बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्ताईन। शेखोपुरा माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं ये देख रहा हूं जी, डीजल के ऊपर भी अभी मैं बात करूंगा। किसान बेचारा अलहदा पिसा हुआ है और हमारी इंडस्ट्री और सनत वो डीजल की कीमत की वजह से अलहदा पिसी हुई है और मुश्किल में है। लेकिन मैं सबसे पहले शेखपुरा, इतनी बारिश में, और ये मैं सारा पानी खड़ा होता देख रहा हूं, उसमें जिस तरह आप आए इतनी तादाद में, और उधर मैं देख रहा हूं कि वहां पानी ज्यादा ही गहरा है, उसके बावजूद जिस तादाद में आप आज यहां आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और खुदामवर, मैं 26 साल से थोड़े से लोगों के साथ सियासत शुरू की थी और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का खास करम है कि आज वो जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। तो खुर्रम, मैंने मेरी कोई मेरे रिश्तेदार, मेरा वालिद, मेरी फैमिली सियासत में नहीं थी। मैं तो ये समझे कि अकेला निकला था, लेकिन आहिस्ता 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 अल्लाह ने आप सबके दिलों में डाला। आप मेरे साथ मिलते गए, काफला बढ़ता गया, और आज अल्लाह के करम से वाहिद पाकिस्तान की जमात है जो सारे पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान से लेके, चित्राल से लेके, कबायली इलाके से लेके, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, सारे पाकिस्तान में आज सबसे बड़ी जमात माशाल्लाह आपकी जमात है। तो खुर्रम, मुझे इतना तजर्बा हो चुका है, मैं जब आप सबको देखा तो खुर्रम, मैं आज आपको मुबारक दे रहा हूं, आप इलेक्शन जीत गए हैं। कोई किसी रंग का, किसी साइज का लोटा आपका मुकाबला नहीं कर सकता। इलेक्शन मुकाबला कोई भी, कोई किसी रंग का लोटा इस जुनून का मुकाबला नहीं कर सकता। लोटों में जुनून नहीं आ सकता,
लोटों के ऊपर, लोटों पे बड़ा नोट खर्च किया जा रहा है। इंतजामिया को लोटों को जिताने की कोशिश करवाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह हमजा कुकड़ी के साथ मिलकर लोटों को चकाने की कोशिश कर रही है। हमजा कुकड़ी, गौर से सुन लो, जो मर्जी तुम कर लो, तुम ये इलेक्शन नहीं जीत सकते, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम फैसला कर चुकी है। पाकिस्तान की आवाम यह फैसला कर चुकी है कि ये जो इंपोर्टेड हुकूमत, हां इंपोर्टेड हुकूमत, अमरीकी साजिश और पाकिस्तान के बड़े बड़े लोटे नामंजूर, आप ये नहीं जीत सकते। तैयब, आपको हम यहां खुशामदेद कहते हैं। इंशाल्लाह वक्त ये चीज साबित करेगा कि आज जो आपने फैसला किया तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने का, वक्त साबित करेगा कि ये आपका फैसला दुरुस्त था, आपके लिए भी और पाकिस्तान के लिए। और मैं आज वैसे अपनी सारी शेखोपुरा की टीम को आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। एक टीम बन के आप खेल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप टीम बन के अगर आप इस मैदान में निकलेंगे, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। तो मेरे शेखोपुरा के बाशऊर शहरियों, सुने आप, ये मुकाबला, ये दो नजरिया का मुकाबला है। एक नजरिया, एक कौमी नजरिया, पाकिस्तान का नजरिया है। और पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बन रहा था तो पाकिस्तान का नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब मेरे का पाकिस्तानियों, शेखोपुरा के, मेरी खास तौर पे आज मैं अपनी बहनों को खुशामदेद कहना चाहता हूं। जब पाकिस्तान की तहरीक चली थी तो उसमें मेरी वालदा, उनकी बहनें, सब ने शिरकत की थी तहरीके पाकिस्तान में। उसी तरह पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए मैं चाहता हूं मेरी बहनें भी निकलें, नौजवान निकलें, बच्चे निकलें। मैं बच्चे भी देख रहा हूं, हमारे बच्चे भी पाकिस्तान के शामिल हैं एक हकीकी आजादी की जद्दोजहद में। तो दो नजरिए, दो नजरिए, एक नजरिया, नजरिया पाकिस्तान, और वो था कि अल्लामा इकबाल हमारे नजरियाती लीडर और कायदे आजम हमारे अजीम लीडर, वो चाहते थे कि हम अंग्रेजों से आजाद हों
और ये ना हो कि अंग्रेजों से आजाद होके हम हिंदुओं की गुलामी करें। वो एक आजाद मुल्क में, एक आजाद मुल्क में मदीना की रियासत के ऊपर अपनी कौम को खड़ा करना चाहते थे, और वो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके फरमान पे, उनकी सुन्नत पे हमें कौम बनाना चाहते थे जिधर सबसे पहले इंसाफ हो, अदल हो, कानून की हुक्मरानी हो, कानून के सामने सब एक बराबर हो, ताकतवर और कमजोर के लिए एक ही कानून हो। वो कौमी नहीं, वो जो हमारा कौमी नजरिया था, वो नजरिया था उन उसूलों पे जिसमें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत खड़ी की थी। अदल और इंसाफ, इंसानियत, फलाई रियासत, जिधर एक रियासत अपने कमजोर तबके को उठाए, अपनी पॉलिसीज बनाए जिसमें गरीबों को गुर्बत से निकाले, जो आज चाइना कर रहा है। चाइना ने 70 करोड़ लोगों को पिछले 35 साल में गुर्बत की लकीर से निकाल दिया और सुपर पावर बन गई। वही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले क्या किया कि मदीना की रियासत में अदल और इंसाफ पे खड़ा किया एक माशरा, पहली दुनिया की तारीख की फलाई रियासत बनाई। रियासत ने अपने बेवाओं की, यतीमों की, गरीबों की, बुजुर्गों की, मजदूरों की रियासत ने जिम्मेदारी ली। अल्लाह की बरकत आई उन पे, और एक रियासत जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे खड़ी हुई, दो सुपर पावर्स थी उस वक्त, दो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स। वो रियासत, मदीना की रियासत ने ना उनसे कोई इमदाद मांगी, ना उन्होंने कहा कि जी हम तो बेकारी हैं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उन्होंने नहीं कहा। बल्कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 627 और 628, 627 और 628 में दोनों के सरबराहों को, सुपर पावर के सरबराज को खत लिखा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम उस पर चलोगे अपनी बेहतरी के लिए, इमदाद नहीं मांगी। ये नहीं कहा कि मैं तो भीख मांगने नहीं आया। आपने सुना होगा, आपने सुना था कि चेरी ब्लॉसम अभी उसने क्या स्टेटमेंट दी थी, मैं तो भीख मांगने नहीं आया है, तो बड़ा मुश्किल वक्त है, मैं तो इमदाद दे दें। उन्होंने, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद कर देता है, एक शेर है कि एक सजदा जिसको तू ग्रां समझता है, देता है लाखों सजदों से तुझे निजात, आजाद कर देता है इंसान को। तो एक ये नजरिया है, और दूसरा नजरिया है ये चोरों का, ये नजरिया है पैसा, ये नजरिया है अल्लाह के सामने नहीं झुकना बल्कि पैसे की बुत की पूजा करना। ये वो नजरिया है जिधर ये कभी अमेरिका के पैर पॉलिश करते हैं, जूते पॉलिश, कभी किसी के बूट पॉलिश करते हैं, सिर्फ एक मकसद कि किसी तरह हमारा पहले चोरी का पैसा बच जाए, किसी तरह एनआरओ मिल जाए दूसरी दफा। अपने पैसे को बचाने के लिए ये इसराइल को भी तस्लीम करने के लिए तैयार हैं।
अपने पैसे को बचाने के लिए ये कश्मीरियों के उनकी जो जद्दोजहद है, उनकी कुर्बानी है आजादी के लिए, ये उनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज करने के लिए तैयार हैं, हिंदुस्तान को खुश करने के लिए, अपनी पैसा बचाने के लिए ये अमेरिका की जंग में शामिल होने के लिए तैयार हैं। जिस तरह इन्होंने वॉर ऑन टेरर में 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर, हम मदद अमेरिका की कर रहे हैं और जिसकी मदद कर रहे हैं वो हमारे ऊपर ही ड्रोन अटैक कर रहा है। 400 ड्रोन अटैक हुए, ये दोनों बैठे हुए थे, जरदारी और नवाज शरीफ। एक दफा इनकी जरूरत नहीं हुई अमेरिका को कहने के लिए कि ये सारे इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। कोई दुनिया का कानून इजाजत नहीं देता कि आप भी फैसला करें कौन मुजरिम और आप ही कत्ल कर दें। कोई दुनिया का कानून जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बनने की इजाजत नहीं देता, लेकिन क्योंकि इनके पैसे पड़े हुए हैं मगरबी बैंकों में, ऑफशोर अकाउंट्स में, बड़े बड़े महलात हैं लंदन में, ये कभी इनके सामने अपने मुल्क के मफादात के लिए ये कभी खड़े नहीं होंगे। ये हमेशा ऐसी बातें करेंगे कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि हम तो बेकारी हैं इसलिए हम गुलाम हैं। ये हमेशा ऐसी बातें करेंगे कि जी हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं, जब चाहे अमेरिका हमें मार सकता है। ये मेरे पाकिस्तानी और नौजवानों सुन लो, आज अगर पाकिस्तान एक अजीम खुददार मुल्क नहीं बन सका तो इन चोरों की वजह से। हम अब जरा सुनें जो हमारा नजरिया है, पाकिस्तान का कौमी नजरिया है। हम सबसे दोस्ती चाहते हैं, हम भी चाहते हैं अमेरिका से दोस्ती हो। हमारे वहां लोग, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी सबसे अमीर तरीन दुनिया की पाकिस्तानी कम्युनिटी है। हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, हम भी चाहते हैं कि अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन हम अमेरिका की गुलामी नहीं चाहते। मैं भी चाहता हूं कि हमारी हिंदुस्तान से दोस्ती हो। मुझे तो हिंदुस्तान ने जितना मुझे इज्जत दी, जितना उन्होंने मुझे वहां जिस तरह मेरी कदर की, शायद ही किसी पाकिस्तानी की हो। मैं भी दोस्ती चाहता हूं, लेकिन मैं कश्मीरियों की कुर्बानियों की, मैं उनकी कभी उनकी कुर्बानियां की कब्र पे हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं कर सकता। अब तक 1,00,000 कश्मीरी पिछले 35 साल में कुर्बानी दे चुके अपनी आजादी के लिए, मैं कभी हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं कर सकता जबकि मेरे कश्मीरी भाइयों के ऊपर जुल्म हो रहा हो। इसलिए हम भी दोस्ती चाहते हैं। अमेरिका कहता है कि रूस ना जाओ, भाई मैं अमेरिका से पूछता हूं, तुम हो कौन मुझे कहने वाले कि मैं रूस ना जाऊं? अगर हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल खरीद के अपने मुल्क के अंदर अपने अवाम के लिए डीजल और पेट्रोल 25
माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं देख रहा हूं कि मैं यहां खड़ा होके मैं पसीने में नहाया गया हूं, तो आप अंदर कैसे आपका हाल हो रहा होगा। सलाम करता हूं आपको, जुनून को सलाम करता हूं। अच्छा जी, अब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है, पाकिस्तान नहीं है। उनका इत्तेहादी होते हुए वो रूस से 30% से 40% कम कीमत पर तेल खरीद रहा है, और वो अपने लोगों के लिए बजाय पेट्रोल की और फजल रमान की कीमत बढ़ाने पे वो कम कर रहे हैं, 25 रुपए लीटर कम कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। और जब हिंदुस्तान से पूछा गया कि जनाब आप तो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, आप क्यों रूस से तेल ले रहे हैं, तो हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम आपके इत्तेहादी होंगे, लेकिन हमारी पहली कोशिश यह है कि हम अपने लोगों की खिदमत करें, उनकी परवाह करें, उनके लिए महंगाई कम करें। हम बेशक आपके इत्तेहादी हैं, लेकिन हम कीमतें बढ़ाने लगे, हम रूस से तेल लेंगे। और यहां अमेरिका के गुलाम चेरी ब्लॉसम, जरूरत नहीं है इनकी रूस से तेल लेने की। इनका फाइनेंस मिनिस्टर कहता, उससे पूछा किसी ने CNN पे, खातून ने पूछा कि आप, इमरान खान कह रहा था हम रूस से तेल लेंगे, आप क्यों नहीं ले रहे, तो जवाब देता मुफ्ता इस्माइल, जवाब देता कहता रूस हमारे पास आए और हमें बताए कि तेल कितने का देगा। बेशरम आदमी, शर्म करो, तेल की हमें जरूरत है और रूस हमें आके बताए कि हम सस्ता तेल दे रहे हैं तुम्हें। इसलिए कि इनको डर है, ये अमेरिका की गुलामी नहीं, ये गुलामी से भी नीचा, अमेरिका का नाम सुन के इनकी कांपें टांगने लग जाती है। तो मेरे पाकिस्तानियों, दो रास्ते हैं, दो नजरिए हैं। एक तरफ अमेरिका ने इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, दूसरी तरफ वक्त आ गया है कि सारी कौम अपनी हकीकी आजादी की जद्दोजहद करे, जहाद करे। मुझे जो अमेरिका से गिला, पता क्या है, मैं अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, मैं उनके माशरे को अंदर से समझता हूं, मुझे उनसे एक गिला सबसे ज्यादा यह है कि अपने मुल्क में अगर कोई जमानत पे हो, अगर आपके मुल्क में कोई जमानत पे हो, तो आप उसको चपरासी भी नहीं रखते। और यहां उसको हमारे मुल्क का वजीर आजम बना दिया, पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी को और उसके बेटे को, हमजा कुकड़ी को। आपने इस मुल्क की 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जो आपने तौहीन की है, आप कितनी हकारत से हमें देखते हैं कि हमारे मुल्क में सिर्फ इसलिए कि ये आपके कंट्रोल में रहें, ये आपकी हर बात माने, ये आपको सलूट करें, ये आपके सामने सजदे करें, आपने हमारे मुल्क पे मुजरिमों को बिठा दिया है क़यादत में, आपने हमारी तौहीन की। मेरे पाकिस्तानियों, इससे बड़ी तौहीन एक कौम की नहीं हो सकती कि एक मुल्क के ऊपर, वो मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बनाओ, उस मुल्क के ऊपर मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दो। आसिफ जरदारी इस मुल्क की बीमारी, शबाज शरीफ, हमजा कुकड़ी,
राना सनाउल्ला कातिल, यानी ये इससे बड़ी हमारी क्या तोहीन हो सकती है। इसलिए गौर से सुन लो, आपने अब से लेके जब तक इलेक्शन नहीं होता, मैं हर अपनी बहनों को कह रहा हूं, बच्चों को कह रहा हूं, नौजवानों को कह रहा हूं, बुजुर्गों को, आपने घर घर जाना है, खुरमवीर आपने दरवाजे खटकाने हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हकीकी आजादी की जहाद लड़ रहे हैं आप। मैं आखिर में एक पैगाम देना चाहता हूं अपने मुल्क के वो इदारे जो इंसाफ दें। मैं अपने मुल्क के इंसाफ के इदारों को पैगाम देना चाहता हूं, और आपने बताना है सबने कि क्या मैं इनको ठीक पैगाम दे रहा हूं। वो ये पैगाम है कि ये कौम कभी कभी ये जो मर्जी आप कर लें, जितना मर्जी जुल्म करें, हरासा करें, इमरान रियाज जैसे सहाफियों को एयाज अमीर जैसे सहाफियों को जो अपने के जमीर के साथ खड़े हैं, हमारे सोशल मीडिया के बच्चे जिनको आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, घरों से पकड़ रहे हैं, मेरी पार्टी के लोग जिनके ऊपर एफआईआर काट रहे हैं, 15 FIR मेरे ऊपर आपने काटी है, 15,000 भी काट लें तो पीछे नहीं हटने लगा मैं। मेरे लोगों के ऊपर, और वो जो मुझे कभी नहीं भूलेगा, जो मेरी बहनों के ऊपर, बच्चों पे, फैमिलीज पे, 25 मई को जो आपने तशद्दुद करवाया, सुन लो कान खोल के, एक एक पुलिस वाला जिसने तशद्दुद किया था उसका हमने नाम नोट किया है, और इंशाल्लाह एक एक को जिसने गैर कानूनी चीज की है उसका हम पूरी तरह एहतसाब करेंगे। मैं आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आप कान खोल के सुन रहे हो, आप दोनों को मैंने अपॉइंट किया था, इसलिए किया था कि आप दोनों ईमानदार हैं। ये ईमानदारी नहीं है कि जब आप हमजा कुकड़ी के कहने पे गैर कानूनी चीजें करें, जो आप ये इलेक्शन में मुदाखलत कर रहे हैं, जो ये आप इलेक्शन में धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं इंतजामिया के जरिए, आप कान खोल के सुन लें कि सारी कौम आपको देख रही है। ये तो भी 17 को इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसके बाद भी आपकी जिंदगी है। जिस तरह आप इस इलेक्शन में गैर कानूनी चीज करेंगे उतना आपको कानून का सामना करना पड़ेगा, और हम एक एक को जिसने कानून तोड़ा, आपको मैं ये वाजे कर दूं कि ये कौम आपको बख्शेगी कि नहीं। अब मुल्क बदल गया, पुराने जमाने का पुराना पाकिस्तान, इंतकामी कार्रवाइयां, इलेक्शन में धांधली, झूठी FIR, लोगों को मारे पड़वानी, ये अब आज आपको
इलेक्शन नहीं जिताने लगी। मुल्क बदल चुका है, सोशल मीडिया का जमाना है, इंफॉर्मेशन को नहीं रोक सकते। जो हलकों के अंदर 10-10 हजार रुपए के चेक बांट रहे हैं लोगों को खरीदने के लिए, मेरी सारी लोगों को पैगाम यह है कि पैसे इनसे लेना लेकिन ठप्पा बल्ले पे लगाना। शेखपुरा, अब बस मैं आखिर में एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। हाथ खड़ा करके आपने एक चीज मुझे बतानी है कि अब से लेके पोलिंग डे तक हाथ उठा के बताएं कि आपने घर घर जाना है, ये आपकी इलेक्शन है, ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की इलेक्शन है। इस इलेक्शन से फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान इन चोरों का बनेगा या एक वो कायदे आजम का पाकिस्तान बनेगा। खुद्दार कौम बनेगी, आजाद कौम बनेगी, अदल और इंसाफ वाली कौम बनेगी, कानून में सब एक बराबर होंगे। ये नहीं होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और नौजवानों इस हदीस को लिख लो, उन्होंने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, बर्बाद हुई, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून, यानी वो ताकतवर डाके मारे तो उनको एनआरओ मिल जाए और गरीब लोगों को, चोरों को जेलों में डाले, कौम तबाह हो जाती है। हमारी तबाही का, यानी हम उधर जिधर पहुंचना चाहिए था, हम सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच सके कि हमारे बड़े बड़े डाकू दंदनाते फिरते हैं, अरबों रुपए की चोरी करके एनआरओ ले लेते हैं, माफ करवा लेते हैं चोरी, और हमारा आम आदमी साइकिल की चोरी, भैंस की चोरी।